श्रीवत्स दिवाकर जी जो हमें पत्रकारिता में लाने वाले हैं, जिनका बड़ा श्रेय है, और इस मेरे वक्तव्य में उनका कई बार जिक्र आएगा। जिक्र इसलिए आएगा क्योंकि जो कानपुर दंगा की कमेटी की रिपोर्ट है उसका अनुवाद उन्होंने किया और वो जो नेशनल बुक ट्रस्ट से छपी हुई है, सौभाग्य या दुर्भाग्य वो अभी प्रतिबंधित नहीं हुई है, पता नहीं कैसे, और कई किताबें वहाँ से प्रतिबंधित हो गई हैं इसी 4 साल के दौरान। मेरे लिए थोड़ी मुश्किल है कि मैं जिन शख्स की किताबें पढ़कर पत्रकारिता में आया, उसमें नैयर साहब का प्रमुख स्थान है और दिवाकर जी ने मुझे पत्रकारिता में काखा का सिखाया, और उन दोनों शख्सियत के सामने गणेश शंकर विद्यार्थी पर बोलना मुश्किल है, लेकिन मैं प्रयास करूँगा। सबसे पहले सांप्रदायिक सद्भावना समिति और राजेंद्र प्रसाद एकेडमी से जुड़े सभी सज्जनों का दिली मुबारकबाद। मुबारकबाद इसलिए क्योंकि जिस समय हिंदुस्तान की मुख्य धारा की पत्रकारिता सबसे ज़्यादा कटघरे में है, उस समय आपने गणेश शंकर विद्यार्थी और उनकी पत्रकारिता को याद करने का साहस किया, इसलिए आप मुबारकबाद। आज के विकासवादी युग में गणेश शंकर विद्यार्थी को इसलिए भी याद करना जरूरी है कि उन्होंने जिस पराधीन भारत में भारत के लोकतंत्र का बिरवा रोपने की दिशा में काम किया, आज उस पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। सांप्रदायिकता के खिलाफ जिस हिंदू मुस्लिम एका के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, उसको आज तहस नहस किया जा रहा है। धर्म के नाम पर जिस पाखंड को उन्होंने प्रश्नांकित किया, वो पाखंड आज इतना ताकतवर हो गया है कि हमारी न्यायपालिका को आंख दिखा रहा है। अप्रोक्ष रूप से हिंदुस्तान की सत्ता को संचालित कर रहा है। पूरे देश का पेट भरने वाला किसान और मजदूर जिसकी गणेश शंकर विद्यार्थी लाठी बने, आज वो सबसे ज़्यादा संकट के दौर में है। इतना ही नहीं, राजनीति में जिस धन बल और अपराध के खिलाफ गणेश शंकर विद्यार्थी खड़े हुए और लड़े, आज उसी पूंजी के आगे हिंदुस्तान की सत्ता कथक कर रही है। गणेश शंकर विद्यार्थी पर बात करते हुए मैं बहुत ज़्यादा तारीखों में नहीं जाऊंगा। तारीखों में जाने का मतलब फिर बहुत बातें बोझिल हो जाती हैं, बल्कि उनकी पत्रकारिता और काम को केंद्र में रखकर कुछ बातें आपसे साझा करने का प्रयास करूंगा। इससे ये पता चलेगा कि आज से लगभग 100 साल पहले वो आदमी कितना दूरदर्शी था, उसकी कलम कितनी दूरदर्शी थी। पराधीन भारत में अपने पारिवारिक अध्यापकी वाले पेशे को दरकिनार कर आज़ादी के लिए पत्रकारिता को ध्येय बनाया विद्यार्थी जी ने। उनकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा उर्दू में हुई थी, सो उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी उर्दू से की। इलाहाबाद से प्रकाशित स्वराज अखबार में उन्होंने शुरुआती लेखन किया, जिसके प्रेरक पुरुष पंडित सुंदरलाल जी थे। पंडित सुंदरलाल महात्मा गांधी के सहयोगी थे। पत्रकारिता के इतिहास में स्वराज का नाम पूरी तरह से अजर और अमर है, क्योंकि स्वराज के 8 संपादकों को 8 साल से लेकर काला पानी तक की सजा हुई थी। विद्यार्थी जी को पंडित सुंदरलाल का सानिध्य मिला। उन्हीं के कहने पर वो हिंदी पत्रकारिता में आए और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती की देहरी पर पहुँचे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी
और सरस्वती ने से उन्हें साहित्य के संस्कार मिले। यहाँ काम करते हुए उन्हें लगा कि साहित्य से ज़्यादा उनकी भूमिका राजनैतिक और वैचारिक पत्रकारिता में हो सकती है, लिहाजा वो पंडित मदन मोहन मालवीय के संपादन में निकले अभ्युदय अखबार पहुँच गए। अभ्युदय का उद्देश्य था हिंदुस्तान का अभ्युदय और हिंदुस्तान की जनता का अभ्युदय। अभ्युदय में एक साल रहे, दिन रात काम, खाने पीने की उचित व्यवस्था नहीं, इसी कारण वो एक साल के बाद कुछ बीमार पड़े। बीमारी ने ज़्यादा घेरा तो कानपुर उन्हें वापस आना पड़ा। कानपुर में स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, इसी बीच मित्रों से बातचीत का सिलसिला चला। तो प्रताप की योजना ने आकार लिया। चार मित्र, 400 रुपये का किसी तरीके से जुगाड़ हुआ। 400 रुपये से प्रताप की नींव पड़ी। 9 नवंबर 1913 को प्रताप का पहला अंक छपकर आया। प्रताप ने आज़ादी के आंदोलन को में लगे लोगों को प्रेरित किया तो अंग्रेज सरकार को हर कदम पर चुनौती दी। प्रताप का स्वर एक तरफ क्रांतिकारी था तो दूसरी तरफ वो कांग्रेस की नीतियों का पक्षधर था। अपनी इस पत्रकारिता के कारण उसे लगातार छापे, जमानत, जब्ती, चेतावनी और धमकियों का सामना करना पड़ा। उसके संपादक और प्रकाशकों को लगातार जेल जाना पड़ा। इन परिस्थितियों में भी गणेश शंकर विद्यार्थी जी की कलम पत्रकारिता के क्षेत्र में मशाल की तरह डटी रही। जन्मकाल से ही प्रताप पर दोहरी जिम्मेदारी थी। एक तरफ प्रताप का दफ्तर क्रांतिकारियों की शरण स्थली बना हुआ था और दूसरी तरफ युवाओं के लिए पत्रकारिता का प्रशिक्षण केंद्र था। भगत सिंह को हिंदी पत्रकारिता की दीक्षा प्रताप के दफ्तर में ही मिली थी। वो उनके साथी शिव वर्मा कहते हैं कि दिल्ली में भड़के दंगों को भगत सिंह ने प्रताप के संवाददाता के हैसियत से ही कवर किया था। प्रभा पत्रिका भी प्रताप के परिवार का हिस्सा थी। दोनों में उन्होंने खूब लेखन किया। प्रभा के लिए खंडवा, जहां मायके की भूमिका निभा रहा था, वहीं प्रताप ससुराल की भूमिका में था। प्रताप माने कानपुर। प्रभा माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रिका थी, लेकिन परिस्थितियों बस उसका मायके और ससुराल आना जाना लगा रहता था। जब विद्यार्थी जी जेल चले जाते थे तो प्रभा खंडवा पहुंच जाती थी, और जब माखनलाल चतुर्वेदी पर विपरीत परिस्थितियां होती थी तो वो कानपुर आ जाती थी। प्रताप और प्रभा के साथ साथ भगत सिंह दिल्ली से प्रकाशित महारथी और इलाहाबाद से प्रकाशित चांद पत्रिका में भी कुछ लेखन किया। ये वो समय था जब अखबार नवीसी पैसा नहीं था। देश और समाज के लिए पत्र और पत्रिकाएं निकाली जाती थीं। पत्रकारिता के पेशे में वही लोग आते थे जिनका त्याग और जो त्याग और बलिदान के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इसी लक्ष्य के साथ प्रताप का संपादन गणेश शंकर विद्यार्थी कर रहे थे। समय समय पर विशेषांक निकालते थे और पुस्तकों के प्रकाशन की एक अनोखी परंपरा प्रताप प्रेस से शुरू की थी। ये सब करते हुए प्रताप एक साल का हो गया था। उल्लास में संपादक मंडल ने 60 पृष्ठ का उस समय 60 पृष्ठ का राष्ट्रीय अंक निकाला था। अपने क्रांतिकारी मुखर राजनीतिक विचारों को लेकर वो हिंदी प्रदेश का प्रमुख अखबार बन गया था। साल भर का लेखा जोखा रखा गया, पता चला प्रताप घाटे में है। इसके बावजूद उसके तेवरों में
कहीं से कमी नहीं थी। प्रताप पर छापा, तलाशी, जमानत और जब्ती का सिलसिला भी शुरू हो गया था। जिस गति से ये जब्ती और उत्पीड़न का सिलसिला आगे बढ़ रहा था, प्रताप के लेखकों की जो पैनापन है वो भी उसी तरीके से आगे बढ़ रहा था। वैसे इसकी वानगी गणेश शंकर विद्यार्थी ने पहले अंक में प्रताप की नीति नामक लेख में दे दी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था, कोट, किसी की प्रशंसा या अप्रशंसा, किसी की प्रसन्नता या अप्रसन्नता, किसी की घुड़की या धमकी हमें अपने सुमार्ग से विचलित न कर सकेगी। सत्य और न्याय हमारे भीतरी पथ प्रदर्शक होंगे। सांप्रदायिक और व्यक्तिगत झगड़ों से प्रताप हमेशा अलग अलग रहने की कोशिश करेगा। उसका जन्म किसी विशेष सभा, संस्था, व्यक्ति या मत के पालन पोषण, रक्षण या विरोध के लिए नहीं हुआ है, किंतु उसका मत स्वतंत्र विचार और उसका धर्म सत्य होगा। हम जानते हैं कि हमें इस काम में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए बड़े साहस और आत्मबल की आवश्यकता है। हमें ये भी अच्छी तरह मालूम है कि हमारा जन्म निर्बलता में हुआ है, तो भी हमारे हृदय में सत्य की सेवा करने के लिए आगे बढ़ने की इच्छा है। प्रताप की पत्रकारिता एक ओर अंग्रेज शासक की घोर विरोधी थी, तो दूसरी ओर जो सामंती जुल्म और देसी रियासतों के कारनामे थे उनके खिलाफ खड़ी थी। उसकी यही नीति उसका सबसे बड़ा अपराध थी। इसकी उसे सजा मिली। अंग्रेज सरकार के साथ साथ दो देसी रजवाड़े थे, उन्होंने प्रताप पर कृपा बरसाई। वैसे आज़ाद हिंदुस्तान में भी, आज के हिंदुस्तान में भी कृपा बरसाने का काम जारी है। ये काम आज का टीवी कर रहा है। जिस तरह उस समय 8 रियासतों ने प्रताप को अपने यहाँ प्रतिबंधित कर दिया था, उसी तरीके से आज टीवी खबरें देने के नाम पर खबरें नहीं पहुँचा रहा है, बल्कि वो सब कुछ पहुँचा रहा है जिसका खबरों से कोई सरोकार नहीं है। विद्यार्थी जी की 5 जेल यात्राओं का शुभारंभ सामंती अत्याचार के खिलाफ लिखी गई एक रपट बनी थी, जो रपट रायबरेली गोलीकांड की रिपोर्टिंग से जुड़ी हुई थी। रायबरेली में जमींदार सरदार वीरपाल सिंह ने किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए गोली चलवा दी थी, जिसका नेतृत्व बाबा रामचंद्र कर रहे थे। रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद, प्रतापगढ़ तक ये आंदोलन पहुंच गया था। इसी बीच अंग्रेज सरकार ने बाबा रामचंद्र को गिरफ्तार करवा लिया और आंदोलन को पूरी तरीके से कुचल दिया, जमींदार से मिलकर। बहुत से किसान मारे गए, बहुत से जख्मी हो गए। सरकार और जमींदारों के दमन के दरमियान विद्यार्थी जी की लेखनी आग उगलती रही। उन्होंने किसानों पर हुए अत्याचार की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। उस समय दैनिक प्रताप शुरू हो गया था। दैनिक प्रताप के एक अंक में उन्होंने जो लेख लिखा था उस घटना के विरोध में, उसका शीर्षक था, डायर शाही और ओडायर शाही। प्रताप का किसानों के पक्ष में खड़ा होना अंग्रेज सरकार को नहीं भाया। तालुकेदार भी खफा हो गए। अखबार में प्रकाशित सामग्री को अपमानजनक माना गया। जमींदार वीरपाल सिंह ने प्रताप पर मुकदमा कर दिया। सरकार की सह थी। मुकदमे ने बड़ा राजनैतिक रूप ले लिया। बचाव पक्ष से 50 गवाह शामिल किए गए, जिनमें कुछ नामों का जिक्र मैं आपके सामने करना चाहूँगा। पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, श्री कृष्ण मेहता और डॉक्टर अवंतिका प्रसाद जैसे लोग। सेशन अदालत तक मामला गया, लेकिन उम्मीद के मुताबिक
फैसला प्रताप के खिलाफ रहा। संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी और प्रकाशक शिव नारायण मिश्र को 3-3 माह की कैद हो गई और 500-500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। रायबरेली केस में प्रताप को हार का सामना अवश्य करना पड़ा। काफ़ी धन भी लगा, समय लगा, लेकिन गणेश शंकर विद्यार्थी अपनी नीति के मुताबिक अपने उद्देश्य में सफल रहे। उनका उद्देश्य था कि जो किसानों पर अत्याचार है वो दुनिया के सामने लाया जाए, दुनिया के सामने लाया जाए, लोग किसानों की बदहाली से परिचित हों। जमींदार समर्थक, जो कांग्रेस में एक तबका था जो जमींदार समर्थक नेताओं, जमींदार समर्थकों समर्थक था, उन नेताओं की उनको पोल भी खोलनी थी। स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कांग्रेस के कुछ नेता जमींदारों को नाराज करने की कीमत पर किसानों का समर्थन नहीं चाहते थे। इन नेताओं को किसानों का नेतृत्व करने वाले नेताओं से मतभेद थे। बहुतेरे लोगों को तो हिंदी प्रदेश के इस आंदोलन की जानकारी ही नहीं थी। इस बात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में स्वीकार भी किया है। नेहरू लिखते हैं, कोट, मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि हम शहर वालों को इतने बड़े किसान आंदोलन का पता तक नहीं था। किसी अखबार में उस पर एक खबर तक नहीं थी। उन्हें देहात की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने इस बात को और भी ज़्यादा महसूस किया कि हम अपने लोगों से किस कदर दूर पड़े हुए हैं और उनसे अलग अपनी छोटी सी दुनिया में किस तरह रहते और काम करते हैं। नेहरू ने जिन नेताओं और अखबारों के बारे में बात की थी, दरअसल वो पत्रकारिता का एक हिस्सा था। मेरा मानना है कि पत्रकारिता के दूसरे हिस्से में जैसे प्रताप, अभ्युदय, जनता, हुंकार, योगी आदि में किसानों से जुड़ी खबरें प्रकाशित होती थीं। किसानों को एकजुट कर उनकी समस्याओं को उठाने के लिए किसान सभाओं का गठन हुआ था। राहुल सांकरत्यायन से लेकर गणेश शंकर विद्यार्थी, साधु सीताराम, सहदेव सिंह, झिंगुरी सिंह आदि नेता किसान आंदोलनों का नेतृत्व करने लगे थे। किसानों की समस्याओं पर वो लिखने और पढ़ने से लेकर आगे आंदोलन में बढ़ते थे, लाठियां खाते थे और जेल जाते थे। अगर मौजूदा समय की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा संकट में हिंदुस्तान के 70% किसान और मजदूर हैं, लेकिन इस विकासवादी सरकार में भी वो फांसी के फंदे पर झूल रहे हैं। उनकी आत्महत्या का आंकड़ा 3 लाख पार कर गया है। सरकारें और संसद उन आंकड़ों से खेल रही हैं। पत्रकारिता भी उस संख्या को बिना पानी के लील रही है। वो भी ऐसे समय में जब हिंदुस्तान के 27% सांसद अपने को किसान बताते हैं। ये जो उन्होंने लिख के दिया है वो 27% है। अगर पहली संसद से हम तुलना करें तो पहली संसद में 22% किसान सांसद थे, लेकिन उस समय की राजनीति दूसरी थी। उन्होंने किसानों को मरने नहीं दिया, लेकिन आज की राजनीति दूसरी है। आज जात पात का बोलबाला है, अस्मिता के नाम पर खून खराबा कराया जाता है, पड़ोसियों के बीच धर्म की दीवारें खड़ी करके राजनीति की रोटी सेकी जाती है। ये सब करते हुए खेत खलिहानों में हो रहा रुदन हमारे राजनीति को दिखाई नहीं देता है। प्रताप पर दूसरा मामला मैनपुरी मानहानि का चला, जो सिकोहाबाद के एक थानेदार से जुड़ा हुआ था। ये मामला 13 रिश्वतखोरी घटनाओं को लेकर था। 41 गवाहों के बयान हुए, मामला अदालत में चला, लेकिन दोषी इस बार भी संपादक और प्रकाशक ही थे। 400-400 रुपये का जुर्माना लगाया गया, 6-6 महीने की
सजा सुनाई गई। फैसला सुनकर विद्यार्थी जी ने मजिस्ट्रेट से कहा, हमारे साथ घोर अन्याय हुआ है, हम जुर्माना ना देकर जेल जाने को तैयार हैं ताकि दुनिया आपके इंसाफ का नमूना देख ले। प्रताप पर तीसरा मामला साईंखेड़ा मानहानि केस के नाम से चला, जो एक महंत और उसके चेले के पाखंड के कारनामों से जुड़ा हुआ था। लेख प्रकाशित हुआ, उसे अपमानजनक माना गया, मुकदमा दायर हुआ। जो सामंती नौकरशाही और पाखंडवाद के सरगना के रूप में जनता का शोषण कर रहे थे, विद्यार्थी जी को वो टारगेट पे लेते थे, वो पत्रकारिता के जरिए जिस पाखंड को उजागर कर रहे थे, आज वही पाखंड पत्रकारिता से लेकर देश के लोकतंत्र तक को नुकसान पहुंचा रहा है। मौजूदा समय में वो इतना ताकतवर हो गया है कि पत्रकारिता उसके सामने घुटने टेक चुकी है। लोगों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के बजाय लोगों को वो कूप मंडूक बना रही है। कभी गणेश जी को दूध पिलवा रही है, कभी रावण की लंका खोज रही है, कभी संजीवनी बूटी की तलाश की जा रही है। उसकी इस ताकत को देखते हुए भारतीय दूरसंचार नियामक आयोग ने अगस्त 2014 में अपनी 111 पेज की रिपोर्ट में कहा है, कोट, राजनीतिक दलों, धार्मिक संस्थाओं, सार्वजनिक धन से चलने वाली संस्थाओं व उनकी सहायक एजेंसियों को प्रसारण और टीवी चैनल वितरण क्षेत्र में आने से रोका जाना चाहिए। साथ ही अगर किसी संगठन को पहले से मंजूरी मिली है तो उन्हें बाहर निकलने का विकल्प भी रखना चाहिए। इस रिपोर्ट को कूड़े के ढेर में डाल दिया है गया है। जैसे पहले के अध्ययन की जितनी सारी रिपोर्टें हुई हैं, जिनका हश्र पहले किया गया है, वही इस रिपोर्ट का हश्र हुआ है। इन तीन मामलों के अलावा गणेश शंकर विद्यार्थी को दो बार कांग्रेस नेता की हैसियत से दिए गए भाषण के रूप में जेल जाना पड़ा है। विद्यार्थी जी लोकमान बाल गंगाधर तिलक की राह के अनुगामी थे। तिलक के बाद राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस के मंच पर गांधी के नेतृत्व को स्वीकार किया। हालांकि कुछ मामलों में गांधी की सोच को वो अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। विद्यार्थी, उनके कंधों पर कांग्रेस की राजनीति की भी एक भूमिका थी। 1925 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो 40वां अधिवेशन था, वो उन्हीं के प्रयास से कानपुर में हुआ था। वो हिंदू मुसलमानों के बीच होने वाले झगड़ों की मुख्य वजह चुनाव आदि को मानते थे। इसके बावजूद जब कानपुर शहरी क्षेत्र से संयुक्त प्रांत काउंसिल का उम्मीदवार उन्हें बनाया गया, तो वो पार्टी के आदेश को मना नहीं कर सके। ये चुनाव इसलिए भी अहम था कि उनके प्रतिद्वंद्वी के रूप में धन बल से लैस लाला चुन्नीलाल गर्ग थे, जिन्हें हिंदू महासभा का समर्थन भी हासिल था। कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी के कारण हसरत, ठीक है सर मैं छोटा कर देता हूँ, वैसे मुझे 40 मिनट के लिए कहा गया, मैं छोटा कर देता हूँ। आंतरिक गुटबाजी के कारण मौलाना हसरत मोहानी जैसे लोग चुन्नीलाल के समर्थन में चले गए थे। कम्युनिस्ट नेता राधामोहन गोकुल भी चुन्नीलाल के साथ खड़े हो गए थे। इस चुनाव का सबसे दिलचस्प पहलू आरोपों प्रत्यारोपों का जवाबी हमला था, जिसे पद्य में ढालकर दो प्रमुख कवि पेश कर रहे थे। चुन्नीलाल की ओर से ये दायित्व पंडित जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी ने संभाल रखा था, तो विद्यार्थी जी की तरफ से ये काम पंडित दयाशंकर देहाती निभा रहे थे। दोनों एक दूसरे की तरफ से जवाबी हमले देते थे और कानपुर के नागरिक उसका भरपूर लुत्फ उठाते थे। कुछ बानगी उस समय के नारों की हैं उस चुनाव के।
हितैषी जी ने विद्यार्थी जी को काउंसिल जाने की आस छोड़कर घास काटने की सलाह दी। पंक्ति देखिएगा, विद्यार्थी जी छोड़ो आस, लयके खुरपी छीलो घास। हितैषी की सलाह पर देहाती भी कहाँ चुप रहने वाले थे। उनका कहना था कि चुन्नीलाल की व्याकुलता मात्र दिवा सपन जैसी लगती है। उन्होंने कहा, एक दिना हम ठीक दोपहरी परे परे अलसाए गयन, सपना दीख काउंसिल खातिर जन कंपू से जाए रहन, गूदड़ मल और सूत कठे का भाई के नाम लिखाए रहन। चुन्नीलाल की गूदड़ और सूत के ठेकों से धन बटोरने की लालसा, देहाती जी की नज़र उनके लालची सहयोगियों पर भी थी। वो हितैषी के घास छीलने के सुझाव के जवाब में उनके पक्ष के बैसाख नंदनों की छिली घास से आस छोड़कर कब्र के पास घास चरते रहने की सलाह दी। चुन्नीलाल का घर कब्र के पास कब्रगाह के पास था। ऐसे में देहाती जी ने सलाह दी, छिली घास की छुआड़ो वास, सादे चरो कबूर के पास। जवाब में हितैषी ने हिंदू वोटरों को लुभाने का भरसक प्रयास किया। हिंदू हो तो पूज्य मालवी की आज्ञा का मान करो, लाला चुन्नी लाल गर को अपना वोट प्रदान करो। चुनावी राजनीति की विडंबना ही कहा जाएगा कि विद्यार्थी जी की तरफ से देहाती जी ने भी कुछ इसी तरह के नारों का इस्तेमाल किया। मसलन, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करें सेवा। चुन्नीलाल की ओर से धन बल और बाहुबल का इस्तेमाल, मजदूरों का साथ पाने के लिए दलालों का उपयोग, प्रचार में धार्मिक भावनाओं के दोहन का प्रयत्न, हिंदू कार्ड, ऐसे अनेक विषय थे जो देश की भावी चुनावी राजनीति के अशुभ संकेत पेश कर रहे थे। चुन्नीलाल को जहां अपनी थैली पर भरोसा था, वहीं विद्यार्थी जी को जनता के बीच और मजदूरों के बीच किए गए जमीनी काम का भरोसा था। चुनाव परिणाम भी जमीनी ही रहा। विद्यार्थी जी को 7,864 वोट मिले, वहीं चुन्नीलाल के खाते में 3,786 वोट आए। विद्यार्थी जी जीत गए। बीच का हिस्सा मैं थोड़ा छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हालांकि मैं 40 मिनट की ही तैयारी थी मेरी। ठीक है, गांधी जी और विद्यार्थी जी, लाला लाजपत राय के बाद में, जैसा मैंने बताया आपको कि गांधी जी का अनुसरण विद्यार्थी जी कर रहे थे, बहुत कई मामलों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी मिलती है। दोनों शख्सियत ऐसी हैं भारतीय पत्रकारिता में, खास करके मैं बात कर रहा हूँ, कि दोनों विभूतियाँ अपने पाठकों पर बोझा डालती हैं। गांधी जी भी अपने पाठकों पर बोझा डालते हैं, अपने अखबारों के लिए कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, और विद्यार्थी जी भी अपने पाठकों पर भरपूर बोझा डालते हैं। जब जब उनके अखबार पर विपत्ति आती है तो वो पाठकों पर बोझा डालते हैं और बोझा डालते हैं। जो जमानत की राशि है, अगर हज़ार रुपये की ज़रूरत पड़ती है तो पाठक 8,000 रुपये जमा कर देते हैं। इससे अखबार, एक समय ऐसा भी आता है कि प्रताप का सर्कुलेशन उस समय 9,000 तक पहुंच जाता है। एक बार अखबार बंद भी हुआ, लेकिन पाठकों का ऐसा सहयोग मिलकर कि विद्यार्थी जी ने पाठकों को, प्रताप को सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया, और प्रताप एक समय के बाद पाठकों की संपत्ति घोषित हो गया। उसके बाद कभी ऐसा समय नहीं आया कि प्रताप को बंद होना पड़ा हो। विद्यार्थी के दिमाग को जो दोनों धर्मों की सच्चाइयां हैं उनसे अवगत कराया जाए, इसके लिए समिति की सलाह है कि पुस्तकों की श्रृंखला निकाली जाए। दूसरा है कि युवा वर्ग को शिक्षित करने वाले जो विशिष्ट जाति के संबोधन वाली संस्थाएं हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। और तीसरा है कि अगर सरकार ईमानदारी से दंगों को रोकना चाहती तो संबंधित जिले के जिलाधिकारी
और पुलिस अधीक्षक को कंट्रोल किया जाए, अगर वो न रोक पाए तो उनको उस पद के काबिल न रखा जाए। आज़ाद हिंदुस्तान में इन समिति की सिफारिशों पर किसी नेता ने अगर सबसे ज़्यादा गौर किया तो वो पंडित नेहरू हैं। पंडित नेहरू ने एक चिट्ठी 1950 में संबंधित मुख्यमंत्रियों को लिखी है हिंदुस्तान के, कि कहा है कि अगर आप विचारवानशील होंगे तो अपने राज्य के डीएम और एसपी को ये ताकीद करेंगे कि अगर उनके ज़िले में सांप्रदायिक दंगा होता है तो उस पद पर वो रहने लायक नहीं है। उनके बाद अगर किसी नेता ने थोड़ा सा गौर किया है तो मैं मायावती का नाम लेना चाहूँगा, उनकी लाख बुराइयाँ कीजिए भ्रष्टाचार को लेकर, दूसरे मसलों को लेकर, लेकिन सांप्रदायिक दंगों के मसले में अगर मौजूदा समय में खास करके हिंदी प्रदेश में अगर कोई काम ठीक से किया है तो मायावती ने किया है। उनके चार टर्म जो रहे हैं शासन के उसको आप देख सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जो समिति की सिफारिशें थी उस पे कांग्रेस और प्रगतिशील ताकतें जिन पर ये जिम्मेदारी थी उन्होंने नहीं दिखाई, लेकिन सांप्रदायिक ताकतों ने वो जिम्मेदारी बड़ी अच्छी से निभाई है। मसलन चाहे वो पुस्तकों के प्रकाशन का मसला हो, चाहे शैक्षिक संस्थान खड़े करने का मसला हो, चाहे हिंदू धर्म की सांप्रदायिकता हो, चाहे मुस्लिम धर्म की सांप्रदायिकता हो, पूरे हिंदुस्तान में स्कूलों की चेन खड़ी कर दी गई सांप्रदायिक ताकतों के द्वारा। वहाँ पे बच्चों के कोमल दिमाग में किस तरीके के विचार भरे जा रहे हैं इसका बहुत ज़्यादा उल्लेख यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, इससे आप सभी लोग वाकिफ हैं। पुस्तकों का एक छोटा सा मैं उदाहरण अभी लेटेस्ट दूंगा कि मैं पुस्तक दिल्ली पुस्तक मेला भी लगा हुआ था, मैं हर साल जाता हूँ, इस बार भी गया था। मुझे एक स्टॉल पे गणेश शंकर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी शीर्षक से किताब दिखी, स्टॉल के बारे में जिज्ञासा हुई, मैं किताब खरीद लाया, 32 पेज की किताब, आरएसएस का स्टॉल। मैंने सोचा कि आरएसएस के स्टॉल पे गणेश शंकर विद्यार्थी, वहीं से ताज्जुब हुआ कि किताब में क्या होगा। 32 पेज की सर किताब मैंने पलट डाली, एक एक शब्द पढ़ डाला, 32 पेज में चार पेज खाली गणेश शंकर विद्यार्थी को दिए गए थे, जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, क्या क्या पत्रकारिता की। 28 पेज में हिंदू धर्म की आरएसएस के प्रति सोच, मुसलमानों के प्रति सोच, हिंदू राष्ट्र कैसे बने, पूरी किताब 28 पेज से इससे भरी हुई थी। इसी के साथ पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, बिस्मिल, भगत सिंह, जितने नाम स्वतंत्रता आंदोलन के ले सकते हैं आप, जितने हमारे पास थाती है, उन सब नामों पे उस आरएसएस के जो 12 स्टार लगे थे उन सभी नामों पे वहाँ किताबें उपलब्ध थीं। 8 भाषाओं में 17,000 टाइटल, आप सोच लीजिएगा कि किस तरीके की किताबें हिंदुस्तान में छप रही हैं और बिक रही हैं। नंबर वन। नंबर दो, इसी तरह ये जो साहित्य पढ़ के जो नई पीढ़ी तैयार हो रही, जो सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो तैयार हो रही है, वो यही किताबें पढ़ के तैयार हो रही है। एक दूसरा जो उदाहरण है कि ये एक हिंदू धर्म की कट्टरपंथ है, दूसरी तरफ जो मुस्लिम कट्टरपंथी ताकते हैं उनके स्टालों का भी मैंने इसी जिज्ञासावश, अगले दिन फिर हम सौरभ भाई गए इसी उद्देश्य के तहत गए कि ये एक धर्म का मसला है, जरा दूसरे धर्म के स्टालों का देख लिया जाए जो कट्टरपंथी ताकते हैं, तो कहीं भी वहाँ भी कमी नहीं है इसी तरीके के साहित्य के प्रकाशन की। तो जो कानपुर समिति ने, दिवाकर सर मुस्करा रहे हैं क्योंकि उन्होंने इसका अनुवाद बहुत अच्छा किया है, कि जो कानपुर समिति ने, दंगों की जांच करने वाली समिति ने जो सिफारिश की थी उसको प्रगतिशील ताकतों ने तो कहीं से नहीं अपनाया, लेकिन जिनसे बचने की सलाह दी गई थी उन्होंने इसका भरपूर इस्तेमाल किया है। किताबों की कीमत सर जान लीजिएगा, आप दंग रह जाएंगे, 10 रुपया, 5 रुपया, 8 रुपया, जितने का एक समोसा और चाय भी नहीं आता है, उतनी रुपए की ये किताबें बिक रही हैं। जाहिर सी बात है कोई भी जाएगा 25 किताबें उठा के ले आएगा या 20 किताबें उठा के ले आएगा। एक दूसरी तरफ है जिस तरीके के साहित्य की समिति ने सिफारिश की थी
उसका एक उलट है कि नेशनल बुक ट्रस्ट ने विपिन चंद्रा की किताब प्रतिबंधित कर दी है, किसी को नहीं पता होगा। दिल्ली केंद्र सरकार के निर्देश पे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रकाशन हाउस ने विपिन चंद, प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी, प्रोफेसर आदित्य महाजन, प्रोफेसर सुतेजा महाजन, प्रोफेसर के एन पणिक्कर की किताब को प्रतिबंधित कर रखा है। ये ऐसे हिस्टोरियन हैं जो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में रेखांकित किए जाते हैं। आप तीसरा एक उदाहरण, गांधी बांग में जो 1200 रुपये 800 रुपये का आता था, सर उसकी कीमत जान लीजिएगा, मौजूदा विकासवादी सरकार ने 10,000 रुपये कर दिया है। 10,000 रुपये हमें, हम तो बेरोजगार हैं, खाली शिक्षक के नाम का एक तमगा मिला हुआ है, ठीक है। 10,000 रुपये एक नौकरी पेशा व्यक्ति को भी सोचना पड़ेगा कि 10,000 रुपये की किताब लेकर आएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो जिस साहित्य की समिति ने सिफारिश की थी, वो साहित्य किस तरीके से जनता से दूर किया जा रहा है। समिति ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ऐसी कोई भी बात किसी धर्म में नहीं है, ना हिंदू धर्म में ना मुस्लिम धर्म में, कि जो एक दूसरे को अच्छा पड़ोसी होने से रोक सके। दोनों धर्मों में ऐसी कहीं कोई बात नहीं है जो एक अच्छा पड़ोसी होने से, एक अच्छा दोस्त होने से, दोनों परिवारों के बच्चों को एक दूसरे के साथ घुलने मिलने से जो रोक सके। इसी के साथ उसने कुछ कविताएं भी समिति ने कोट की है, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है कि वो कविताएं किसकी हैं। एक कविता की 4 लाइनें सुनिएगा, ठीक लगेगा मुझे लगता है। बनवाओ शिवाला या मस्जिद, है ईंट वही, चूना भी वही, मेमार वही, मजदूर वही, मिट्टी है वही, गारा है वही, तकबीर का जो कुछ मतलब है, नाकस की भी मंसा है वही, तुम जिसको नमाज कहते हो, हिंदू के लिए पूजा है वही। फिर लड़ने से क्या हासिल है, जी फाहम हो तुम नादा नहीं, जो भाई पे दौड़े गुर्रा कर, वो हो सकते इंसान नहीं। देश और समाज के लिए विद्यार्थी जी इसी तरीके के आपसी भाईचारे को जरूरी मानते थे। इसमें पत्रकारिता का क्या योगदान हो सकता है, इसका उल्लेख भी उन्होंने किया था। हम न्याय में राजा और प्रजा दोनों का साथ देंगे, परंतु अन्याय में दोनों में से किसी का भी नहीं। हमारी ये हार्दिक अभिलाषा है कि देश की विविध जातियों, संप्रदायों और वर्णों में परस्पर मेल मिलाप बढ़े। इसी लेख में विद्यार्थी जी अपने पत्रकारी उद्देश्यों में भटकाव की स्थिति के लिए मौत के समान बताया था। 2 लाइन हैं, जिस दिन हमारी आत्मा ऐसी हो जाए कि हम अपने प्यारे आदर्श से डिग जावें, जानबूझकर असत्य के पक्षपाती बनने की बेशर्मी करें और उदारता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता को छोड़ देने की भीरुता दिखावें, वो दिन हमारे जीवन का सबसे अभागा दिन होगा। हम चाहते हैं हमारी उस नैतिक मृत्यु के साथ ही हमारे जीवन का अंत हो जाए। अगर विद्यार्थी जी की इस कसौटी पर आज की पत्रकारिता को कसना हो तो पूरी लगभग मुख्यधारा की पत्रकारिता, 95% मुख्यधारा की पत्रकारिता का अंतिम संस्कार कर देना होगा। अब सवाल इस बात का है कि फिलहाल जो मुख्यधारा की पत्रकारिता है, जिस पर ये जिम्मेदारी थी कि वो हिंदुस्तान के 3 स्तंभों पर की निगरानी करेगी, वो डिबेट अब बाहर हो गई है। अब सवाल इस बात का है, क्योंकि वो 2 अंगों की चापलूसी के करने के सारे कीर्तिमान स्थापित कर रही है। अब बात इस पर होनी चाहिए कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जो 3 स्तंभ हैं, उसके साथ साथ मीडिया भी, अब 4 स्तंभों पर निगरानी के लिए कोई ऐसी संस्था बने जो इन 4ों पर निगरानी कर सके। सोनियमन का जनाजा पहले ही हिंदुस्तान में निकल चुका है, बेहतर है, जिसकी बात कुलदीप नैयर साहब भी अपनी किताबों में करते रहे हैं, कि कोई ऐसी संस्था बने जो पूरी पत्रकारिता को, खाली प्रिंट मीडिया नहीं, अब प्रिंट मीडिया कम चुनौतीपूर्ण है, टीवी को, सोशल मीडिया को, व्हाट्सएप इंडस्ट्री को, सब पर निगाह रखे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि ये जिम्मेदारी सरकार को दे दी जाए। सरकार के पास वैसे ही जिम्मेदारी नहीं है, बिना जिम्मेदारी के ही सरकार अपनी भूमिका निभा रही है। कोई ऐसी संस्था बने जिस पर सरकारों का अधिकार बिल्कुल ना हो। अब नई पीढ़ी के लिए विद्यार्थी जी और उनकी पत्रकारिता को जानना और पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि उसका कायांतरण पूरी तरह मशीनी न हो जाए बल्कि मनुष्यता में बना रहे। तो ये सामग्री कहाँ पढ़ने को मिलेगी? तो उसका जवाब है कि सुरेश सलील जी ने एक बहुत अच्छा काम किया है। 20 साल की मेहनत करके उन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी के शब्दों एक एक शब्द को लिखे और बोले को संजोया है, जो 4 खंडों में छपा है, अनामिका प्रकाशन ने छापा है। थोड़ा महंगा है, उसका विकल्प है कि साहित्य अकादमी और जनचेतना से प्रकाशित गणेश शंकर विद्यार्थी के संचयन हैं। अकादमी वाला संचयन भी सुरेश सलील ने ही किया है। इस काम के लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। फिलहाल आप सोचिएगा और जेब को टटोलिएगा, 80 रुपये और 200 रुपये तो खर्च करना बनता ही है विद्यार्थी जी के नाम पर। विद्यार्थी जी की एक किताब लीजिएगा, गारंटी पूरी है कि आप घाटे में नहीं रहेंगे। आपने सुना, बर्दाश्त किया, बड़े लोगों के सामने बोलने का साहस किया, दुस्साहस किया, आप बताएंगे कि कैसा रहा। फिलहाल आप सभी को धन्यवाद।